Hi champions, how are you? I'm good. You are also fit. Very good. Here we have another two more questions. Question number 83 from R.D. Sharma class 10 trigonometry chapter exercise number 6.1. Question number 83, second number and third number. We will start question number 2. Okay. क्वेश्चन नंबर वन पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है एंड क्वेश्चन नंबर टू 83 का मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, रैशनलाइजेशन स्टार्ट करना है इसका। डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होता है, हमको पता है पिछले वीडियो में जैसे बता चुका हूँ कि माइनस साइन है तो प्लस साइन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा से हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने का, जस्ट लाइक 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री में जब भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको, LHS और RHS। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, LHS को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है मुझे a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में दिख रहा है, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना। ये सारे हमको एलजेब्रा के फॉर्मूले आने चाहिए तभी हमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अगेन नीचे देखिए आप a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है, जिसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज हमको पता है, एज वी नो फर्स्ट आइडेंटिटी हमको क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेजता हूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट ओवर 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अब हमको क्या करना है, स्क्वायर रूट को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा, कॉस थीटा। स्क्वायर रूट हटाया हमने तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज LCM कॉस थीटा, और कॉस थीटा का LCM क्या मिलेगा, कॉस थीटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज हम लिख देंगे। अब पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जब भी दो नंबर अगर सेम होते हैं और उनका नेचर अलग होता है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो साइन थीटा नंबर सेम है और प्लस माइनस नेचर अलग अलग है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, सेक थीटा होता है, है ना। तो कॉस थीटा की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 sec थीटा लिख सकते हैं। तो यही हमारा RHS है जो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, हियर इज रूट ओवर, फर्स्ट स्टेप इज 1 प्लस cos थीटा। वी हैव टू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक LHS एंड RHS, LHS एंड RHS, एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम LHS। 1 माइनस कॉस थीटा, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे रैशनलाइज करना है। वी हैव टू टेक रैशनलाइजेशन, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। माइनस से क्यों मल्टीप्लाई करोगे, कि यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या दिख रहा है हमको, a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी अगेन हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर
अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट स्टेप इज, हमको जैसे कि मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है, तो अब हमको क्या चाहिए, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा को मतलब ट्रांसपोज करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या लिखेंगे, वन प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब हम स्क्वायर इन स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज एलसीएम, एलसीएम ऑफ साइन थीटा एंड साइन थीटा इज साइन थीटा, वन प्लस कॉस थीटा एज इट इज प्लस वन माइनस कॉस थीटा इज ऑल्सो एज इट इज। cos theta and cos theta is same number and opposite in nature, therefore cos theta and cos theta will be cancel out. 1 plus 1 is 2, 2 by sin theta. What is the opposite of sin theta? We know that sin theta is equal to 1 upon cos theta, cosec theta. So here we have to write 2 cosec theta, 2 cosec theta. Okay, that is our RHS, hence proved. तो बच्चों, जैसा कि हमको पता है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन थे और ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट होता है तो हमको कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जरूर एक्सप्लेन करेंगे उस डाउट को। ओके, बाय बाय, टेक केयर चैंपियंस, बाय।